नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल P4 Portfolio में। आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के बारे में। इस शेयर में हमें कल गिरावट देखने को मिल सकती है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसका रीज़न भी जानेंगे, और साथ ही साथ क्या गिरावट होगी तो हमें बाय करना चाहिए या फिर घबरा कर सेल कर देना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 3,896 रुपीज, जो कि 0.29% नीचे दिखाई दे रहा है। मार्केट कैप है 93,000 करोड़ के आसपास का। पी रेशियो 53.59 है, इंडस्ट्री का पी है 68.7, प्राइस टू बुक रेशियो है 21.94, डिविडेंड यील्ड है 0.9% के आसपास। डिलीवरेबल्स की बात करें तो 41.85% की डिलीवरी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो रीज़न आपके सामने है कि क्यों हमें ब्रिटानिया में कल गिरावट देखने को मिल सकती है। आपको पता ही होगा ब्रिटानिया ने 83 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, और उसकी एक्स डिविडेंड डेट जो है वो है कल की है, यानी कि अगस्त 26, 2020। तो एक्स डिविडेंड डेट को हमें ये फैक्टर्ड होता हुआ नजर आएगा। 83 रुपीज़ हमें इस लास्ट ट्रेडेड प्राइस से माइनस होते हुए नजर आएंगे। अगर आपको ये पता नहीं है, अगर आप नए हैं यहाँ पर स्टॉक मार्केट में, तो आपको बता दूँ कि जब भी कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो वो मार्केट उसे फैक्टर्ड करने की कोशिश कर दी है। यहां पर जो 83 रुपीज का दिग्गज डिविडेंड दिया है ब्रिटानिया इंडस्ट्री में, सब कुछ फैक्टर्ड हो जाएगा, और कल हमें यहां पर 83 रुपीज की हमें यहां पर गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि ये श्योर नहीं होता है, गिरावट देखने को मिलेगी जरूर, लेकिन ऐसा जनरली मोस्टली 99% केसेस में ऐसा ही होता है कि हमें जो डिविडेंड डेट आती है तभी वहां पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिल जाती है। अगर आपने पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होगा तो आपको यहां पर पता चल जाएगा कि पीएसयू स्टॉक में 5-5, 6-6% का डिविडेंड यील्ड दिखाई देता है, तो 5% की गिरावट भी हो जाती है एक्स डिविडेंड डेट। तो यहां पर कैलकुलेट करके हमें पता चलता है कि 83 रुपीज यहां पर 2% के आसपास कैलकुलेट होकर आता है। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री में कल हमें यहां पर 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए उसके बारे में चार्ट्स पर बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं धमाकेदार रिकवरी तो हमें देखने को मिली ही है, लेकिन उसके बाद भी हमें नए हाईज यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए थे बहुत ही धमाकेदार देखने को मिल रहे थे। प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा हो चुका था, और शेयर प्राइस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊपर हमें यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे सारे मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, और 20 डेज का मूविंग एवरेज है जो कि येलो लाइन, उसी के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेज़ी कंटिन्यू रहती हुई भी नजर आती है। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 60.53। अब देख पाएंगे यहां पर थोड़ी सी वीकनेस हमें दिखाई दे रही है पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन में, लेकिन 60 नंबर भी यहां पर स्ट्रांग ही माना जाता है। आरएसआई के बारे में भी बात कर लेते हैं, तो आप देख पाएंगे कि आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 58.52। यहां पर भी हल्का से हमें यहां पर वीक सिचुएशन दिखाई दे रही है, लेकिन ओवरऑल 58 का नंबर भी काफी स्ट्रांग ही है। अगर बात करें एमएसडी के बारे में तो आप देख पाएंगे एमएसडी में जो फिलहाल सिग्नल्स हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं, यहां पर फिलहाल बेरिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है। काफी दिनों पहले ये बेरिश क्रॉसओवर देखने को मिला था, बीच में एक बार कोशिश भी हुई थी कि एक बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि स्टॉक फिलहाल अपने बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अपर बैंड का लेवल है 3,952 का लेवल, मीडियन जो है वो है 3,855 के आसपास का लेवल, लोअर बैंड है 3,759 के आसपास का लेवल। अब बात कर लेते हैं पिवट पॉइंट्स के बारे में, तो आप देख पाएंगे पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 3,781 के आसपास का लेवल। रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर के में जो रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहे हैं 4,051 का रेजिस्टेंस दिखाई देता है, उससे भी ऊपर जाए तो यहां पर 4,279 का रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। अगर बात करें नीचे के सपोर्ट्स के बारे में तो 3,553 का सपोर्ट दिखाई देता है, उससे भी नीचे जाए तो 3,283 का लेवल भी हमें एज ए सपोर्ट दिखाई दे सकता है। हालांकि इतनी ज्यादा गिरावट आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगी, इसके चांसेस काफी कम दिखाई देते हैं। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल वन मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दी है। तो आप देख पाएंगे भाई साहब स्टॉक धमाकेदार रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न्स इस स्टॉक ने हमें बना कर दिए हैं। कभी भी ज़्यादा डीप करेक्शन स्टॉक में देखने को नहीं मिला है, जब भी करेक्शन देखने को मिलता है तो 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास ही स्टॉक सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेज़ी कंटिन्यू रहती हुई नजर भी आती है। लेकिन जब भी थोड़ी सी और गिरावट हो जाती है तो 50 मंथ्स का ईएमए ऐसे सपोर्ट हमें देखने को मिला है। तो अब क्या करना चाहिए, अगर आपने पहले से पोजिशन बना कर रखी है तो यहाँ पर
ज़्यादा लॉस का तो यहाँ पर रीज़न मतलब बनकर नहीं आता, क्योंकि 4000 के आसपास ऑल टाइम हाई है। फिलहाल ये 100 रुपये ही नीचे चल रहा है, फिर भी अगर आपने ऊपर पोजीशन बना कर रखी है तो चिंता की ज़रूरत नहीं है, धमाकेदार स्टॉक है, यहाँ पर बने रही है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। अगर आपने नीचे पोजिशन बना कर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज़ कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए, लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं, या फिर हम यहाँ कंटिन्यू भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम कंटिन्यू रहता हुआ नजर आ रहा है और 20 डेज का ये में हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, तो इसी हिसाब से जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेश बाइंग के बारे में, क्योंकि यहाँ पर कल इसकी एक्स डिविडेंड डेट है और जनरली ऐसा ही होता है कि जो एक्स डिविडेंड डेट होता है उसी दिन हमें जितना डिविडेंड दिया जाता है उतना यहाँ पर शेयर प्राइस नीचे गिरता हुआ भी नज़र आता है। तो ऐसा अपॉर्चुनिटी लेना है या फिर थोड़ा और वेट करना है, इसके बारे में डीपली चर्चा कर लेते हैं। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, जो एक्टिव इन्वेस्टर हैं, तो उनसे मेरा मानना है कि यहाँ पर अगर आपको शेयर 3700 से 3800 के आसपास दिखाई देता है तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग की जा सकती है, क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 50 डेज का ईएमए 3700 के आसपास बनकर आता है और आप देख पाएंगे 20 डेज का ईएमए 3850 है, लेकिन जनरली ऐसा ही देखने को मिला है, 83 रुपीज़ का डिविडेंड मिलने वाला है और लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 3900 के आसपास, तो 80 रुपीज़ का करेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको स्टॉक 3800 पे मिलता है तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग की जा सकती है, वहाँ पर बाय एंड डिप शुरू किया जा सकता है। लेकिन जो लोग होते हैं वेट करना चाहते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए भी लेवल्स मैं ज़रूर बताऊंगा, जो कि है 3400 से करके 3600 के आसपास का लेवल। अगर स्टॉक आपको यहीं पर दिखाई देता है तो वहां पर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को बाइंग शुरू कर देनी चाहिए। वीडियो को एंड करने से पहले बता दूं कि जो एक्स डिविडेंड वाला मामला है, शेयर में गिरावट आती है, कोई कंफर्म गिरावट आएगी ऐसा ये गारंटीड नहीं होता, लेकिन जनरली ऐसा ही देखा जाता है कि जब ज़्यादा डिविडेंड दिया जाता है, 1% से ज़्यादा का अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो वहाँ पर हमें गिरावट देखने को भी मिलती है। HUL के मामले में भी ऐसा ही हुआ था, फिलहाल HUL ने हमें स्पेशल डिविडेंड दिया है तो वहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली थी। कोई PSU स्टॉक होता है वहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल जाती है, तो 99% केस में गिरावट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एग्रेसिव इन्वेस्टर इसे एज अ अपॉर्चुनिटी लेकर यहाँ पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। कभी कभी फ्लो में, कभी इंट्राडे में ज्यादा सेलिंग प्रेशर बच जाता है तो यहां पर हमें स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आ सकता है, तो इसे एज अ अपॉर्चुनिटी लेना है और लॉन्ग टर्म के लिए इसे क्वांटिटी में ऐड करना है, क्योंकि धमाकेदार स्टॉक है, पोर्टफोलियो में ऐड करने के लायक है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे डिटेल में रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।